सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को बिल्कुल फ्री और बेल आइकन दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल। इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लाइव के न्यू मोबाइल लॉन्च के बारे में। रिलायंस रिटेल ने अपने लाइव स्मार्टफोन के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हुए लाइव सीरीज़ का न्यू स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है लाइव C459। यह कंपनी की विंड सीरीज़ का हिस्सा है। लाइव C459 हैंडसेट की प्राइस 4699 रुपीज़ रखी गई है और यह देश भर में मौजूद रिलायंस डिजिटल स्टोर में अवेलेबल कराया जाएगा। इस नए स्मार्टफोन की अहम खासियत, इसमें 4G LTE का सपोर्ट दिया गया है और इसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर का यूज़ किया गया है। डिज़ाइन की बात करें तो लाइव C459 मैट फिनिश के साथ आता है। एजेस इसके मेटल की दिए गए हैं और फ्रंट पैनल पर नेविगेशन भी दिए गए हैं। इसमें एक माइक्रो USB पोर्ट और 3.5mm ऑडियो जैक पोर्ट भी दिया गया है। स्पीकर हैंडसेट के बैक साइड पर दिया गया है। वॉल्यूम और पावर बटन हैंडसेट के राइट साइड पर दिए गए हैं। लाइव C459 स्मार्टफोन देश भर में ब्लैक और ब्लू कलर वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो रिलायंस लाइव C459 स्मार्टफोन में 4.5 इंच की FWVGA IPS डिस्प्ले दी गई है। इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन 480p x 854p दिया गया है और इस डिस्प्ले की स्क्रीन डेंसिटी 218 PPI की दी गई है। इस पर 2D ग्लास प्रोटेक्शन भी दिया गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में 1.3 GHz क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 210 MSM8909 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है और इसके अलावा इस स्मार्टफोन में 1GB रैम दी गई है और 8GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड के ज़रिए 128GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। और ग्राफिक्स के लिए इस स्मार्टफोन में एड्रेनो 304 GPU इंटीग्रेटेड किया गया है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 6.1 मार्शमेलो बेस्ड है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन में कैमरे फीचर्स की। तो लाइव C459 में 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, इसके साथ LED फ्लैश भी दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट पर सेल्फी और वीडियो शेडिंग के लिए 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। कैमरे में आपको ऑटो फ्रेम रेट, रेड आई डिटेक्शन, वीडियो HDR जैसे सपोर्ट मिलेंगे। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में 2000 mAh की बैटरी दी गई है और यह बैटरी 8 आवर्स तक का टॉक टाइम दे सकती है और 160 आवर्स तक का स्टैंडबाई टाइम दे सकती है, ऐसा कंपनी ने दावा किया है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन में कनेक्टिविटी फीचर्स की। तो इसमें 4G LTE के सपोर्ट के साथ साथ ब्लूटूथ V4.0 और USB OTG जैसे फीचर्स शामिल हैं। इस फोन में जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी दिए गए हैं। इस स्मार्टफोन का वेट 139 ग्राम है और यह फ़ोन ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर अवेलेबल होगा। आप इस स्मार्टफोन को ख़रीद सकते हैं, जो रिलायंस के डिजिटल स्टोर हैं वहां से आसानी से खरीद सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इसी टाइप की और इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड डेली वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।